एवरीवन, आई एम प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ बहुत ही डिलीशियस गाजर का हलवा, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए गाजर। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर ली है। तो अच्छे से वॉश करके इसको पील कर लेना है और देन इसके बाद हम इसको ग्रेट करेंगे। तो ये जो रेड वाली गाजर होती है वही लेना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह से इसे ग्रेट कर लेना है। तो आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कोर्सली ग्राइंड कर सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अगर आप ग्राइंड करेंगे तो बहुत ज़्यादा फाइन हो जाएगा। हमको थोड़ा इस तरह से दानेदार चाहिए रहता है, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेना है और उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच घी। और घी जैसे ही मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ये जो गाजर है जो हमने ग्रेट करके रखी है वो इसमें डाल देंगे। और गाजर को बहुत अच्छे से हमको इसमें सौटे करना है। कम से कम 10 से 15 मिनट हम इसको ऐसे ही घी में रोस्ट करेंगे। 10 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो गाजर का जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगेगी। तो इस टाइम पे हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मिल्क यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने मिल्क डाल दिया है। अब हमको अच्छे से इसको मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक हम और कुक करेंगे। आप चाहें तो इस टाइम पे इसको कवर कर दीजिए और कवर करके इसको 10-15 मिनट कुक होने दीजिए। इसे बीच बीच में चलाते रहिए। तो 10 मिनट हो गया है, हम इसे फिर से चला रहे हैं एक बार। तो इस टाइम पे ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसको और कुक करेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे शुगर। तो मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं शुगर कम या ज़्यादा। मैंने बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं बनाया है, गाजर ऑलरेडी मीठी है और थोड़ा सा कम मीठा मुझे अच्छा लगता है। और मैं इसमें कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 कप शुगर का ही इस्तेमाल किया है। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ कर रहे हैं उस केस में आप शुगर थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो शुगर डालने के बाद हम इसे फिर से 10 से 15 मिनट अच्छे से कुक करेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। और अब जब हमारा जो गाजर का हलवा है 70% तक कुक हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क डालने से गाजर का जो टेस्ट है हलवे का वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं या आप खोया भी डाल सकते हैं। तो बस इसे फिर एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको और पकाएंगे, कम से कम 8 से 10 मिनट और हमें इसे पकाना है। 8 से 10 मिनट हो गए हैं, फिर हम इसे चलाएंगे। तो ये नीचे हल्का हल्का सा लगने लगा है, तो इसे आप इस टाइम पर बार बार चलाते रहिए। ये देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। बस अब हम इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, जब तक कि ये जो बर्तन को छोड़ने ना लगे, मतलब हमारा गाजर का हलवा पक जाएगा उसका ये साइन है कि वो बर्तन को छोड़ने लगेगा और हल्का हल्का सा घी रिलीज़ करने लगेगा। तो जैसे ही हलवा घी रिलीज़ करने लगे, ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये चिपकना पूरा बंद हो चुका है, इकट्ठा होने लगा है, इसका मतलब हमारा हलवा है वो एकदम परफेक्टली कुक हो गया है। तो बस हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये एकदम रेडी है, अब इसको सर्व कर लेते हैं। और मैंने इसमें ना तो इलायची पाउडर डाला है ना तो कोई ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ये ऐसे ही बहुत टेस्टी लगता है। पर आपकी चॉइस हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाले हैं सनफ्लावर सीड्स ऐसे ही डेकोरेट करने के लिए ताकि ये अच्छा दिखे। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही डिलीशियस है। इसको बनने में कम से कम 40 से 45 मिनट लग जाता है, 40-45 मिनट में ही हलवा एकदम परफेक्ट बनता है और टेस्टी बनता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और ऑल पे जाके आप क्लिक कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी मैं कोई रेसिपी डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।